हेलो गाइस, मैं हूं अमित। गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि आप पेट्रोल पंप पे अपनी बाइक लेके जाओ पेट्रोल डलवाने और आपकी बाइक में डीजल डाल दिया जाए गलती से, तो क्या होगा? बहुत लोग डरते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो भाई क्या ही हो जाएगा, लेकिन हम लोग आज यही टेस्ट करने वाले हैं। हमारे पास में डीजल डालेंगे बाइक के अंदर, फिर बाइक को जो है स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि बाइक क्या स्टार्ट हो पाएगी या किस तरीके से चल पाएगी या कैसे रिएक्ट करेगी, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग नीचे जो लाइक का बटन है वो जल्दी से दबा दो और आप लोग प्लीज़ ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना, क्योंकि ये आपके इंजन को बिल्कुल डैमेज कर सकता है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो शुरू करते हैं। हम लोग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो हमारी बाइक में थोड़ा सा पेट्रोल जरूर से होता है। हम वही कंडीशन जो है क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, पहले तो उसका सारा पेट्रोल निकाल देंगे, फिर उसमें पेट्रोल और डीजल दोनों मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर गलती से डीजल डलता है तो पेट्रोल तो पहले से ही था। देखो, मैं रिजर्व में लगाकर सारा इसका पेट्रोल निकाल लूंगा। तो भाई, जो पेट्रोल है वो देखो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, यहाँ पर ऑन है, ये रिजर्व है, कहीं पर भी तेल नहीं है। तो अब इसकी जो टंकी है वो खोलते हैं और इसके अंदर डालते हैं भाई डीजल और पेट्रोल, दोनों हमारे पास में एक एक लीटर हैं। मैं सोच रहा हूँ कि बराबर क्वांटिटी में मिक्स कर देते हैं, क्योंकि बाइक में थोड़ा बहुत पेट्रोल होता है। तो भाई, ये गया हमारी खाली बाइक में पेट्रोल और नीचे से यार पेट्रोल गिरने लग गया, क्योंकि हमने इसको बंद नहीं किया, इसको मैंने ऑफ किया अब, और इसमें पेट्रोल डाल लेते हैं सारा। और अब जो है इसको तो करते हैं भाई बंद, इसको रखते हैं साइड में और अब डालते हैं मेन चीज जो कि है डीजल। आप लोग प्लीज मत डाल देना। तो ये लो भाई, ये गया बाइक में डीजल। तो भाई साहब, यहां पर डीजल और पेट्रोल दोनों चीज़ें बाइक में जा चुकी हैं। इस बोतल को रखते हैं, बाद में हटा देंगे। टंकी को करता हूँ बंद और देखो यहाँ पर ये जो नलकी है इसको अब लगाते हैं। देखो, अब इसमें जो है मुझे नहीं पता मिक्सचर आएगा दोनों का, तो इसको भाई लगाते हैं अपने बाइक में और ये लग चुकी है। ऑन में करता हूँ, चलो रिजर्व ही कर देते हैं, एक ही बात है। और अब ट्राई करते हैं इसको स्टार्ट करने की। आई डोंट नो कि ये स्टार्ट होगी या नहीं होगी। वैसे कार्बोरेटर में थोड़ा सा तेल होता है तो ये जो है स्टार्ट हो जानी चाहिए। बिल्कुल फर्स्ट टाइम में तो स्टार्ट हो गई। यहां पर जो है डीजल की बहुत तेज स्मेल आ रही है। कितना ज्यादा धुआं निकल रहा है यार, बहुत ज्यादा धुआं दे रही है, देखो जरा यार। और बाइक बंद भी हो रही है, थोड़ा पावर लूज कर रही है बट स्टार्ट हो रही है और बहुत धुआं फेंक रही है। तो भाई इसके अंदर जो है काला और नीला धुआं आ रहा है, जो कि मोस्ट डेफिनेटली हमारी बाइक के इंजन को तो डैमेज कर ही रहा होगा, लेकिन ये कितना दूर चल पाएगी वो अब टेस्ट करना बाकी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको चलाते हैं लगभग 3-4-5 किलोमीटर, देखते हैं कि ये बीच में बंद होती है या फिर चल पाएगी। तो स्टार्ट करते हैं और चलो। वापस चलने लगती है।
वापस हम लोग वहीं पहुंच चुके हैं। पूरा एक राउंड मार के लगभग हमने 6.5 किलोमीटर जो है बाइक को चला लिया है और बाइक एक बार भी बंद नहीं हुई बीच में। तो भाई ये तो मानना पड़ेगा कि डीजल से बाइक जो है वो चल सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बाइक है इसका इंजन काफी ज्यादा डैमेज हो गया होगा बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा धुआं निकल रही है। तो आपको ऐसा करना नहीं है, लेकिन अगर कभी गलती से डल जाए तो आपको करना क्या है भाई, सबसे पहले जो डीजल है वो बाहर निकाल देना, यानी कि जो पेट्रोल डीजल का मिक्स है उसको निकाल देना टंकी में से, चलाना नहीं है और पेट्रोल डाल लेना है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपकी बाइक रुक जाती है, आपको पता नहीं गलती से डल गया, बाइक चला ली, बाइक रुक गई, तो आपको एक मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। दोस्तों पेट्रोल और डीजल में काफी फर्क होता है और इसी वजह से इनके जो इंजन होते हैं उनमें भी काफी डिफरेंस होता है। पेट्रोल इंजन जो है उसके अंदर एक स्पार्क होता है और उसकी वजह से आग लगती है, लेकिन डीजल इंजन के अंदर स्पार्क नहीं होता। एयर फ्यूल जो मिक्सचर है, डीजल और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, वो बहुत हाई कंप्रेस होता है, बहुत ज्यादा कंप्रेशन होता है और उसकी वजह से अपने आप गर्म होकर आग पकड़ लेता है। मतलब अलग चीजें हैं, लेकिन जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो कहीं ना कहीं जब पेट्रोल इग्नाइट होता है तो डीजल उसके साथ इग्नाइट हो जा रहा है, लेकिन भाई बहुत अंतर है। तो आप लोग प्लीज ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना, डैमेज कर सकते हो अपने इंजन को। मुझे नहीं पता इसका क्या हालत हुई है, ये कोई प्रॉब्लम करेगी नहीं करेगी, बट कुल मिला के है कि चल गई हमारी वीडियो तो सक्सेसफुल हो गई। तो अगर आपको आया मजा तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी मस्त मस्त वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बिना लाइक किए प्लीज मत जाना वीडियो को।